अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। सर ऐसा ना, एक बात बता आपको, आप हमारे मेहमान हो, हम 10,000 का बस्ता खरीदने की अनुमति तो नहीं देंगे सर। नहीं, 10,000 का हम नहीं है आप लोगों के सर, उसमें आप एक ये कर दीजिए सर, एनसीआरटी के ऊपर जो है 10%, 20%, 30% इस तरीके से। हालात लोगों के बहुत अच्छे नहीं है, बहुत बुरे हालात में है। हम कॉफी डेली पीते हैं और साथ में बिस्कुट खा लेते हैं, तो सबको डेली कॉफी बिस्कुट नहीं मिल रहा, लोगों को पानी नहीं मिल रहा ढंग से पीने के लिए। हम देखो लोगों को भारी बस्ता और महंगी किताबें खरीदने के अलावा तो हम नहीं करेंगे, हम तो लड़ाई करेंगे सर। आप लोग लिमिट लगा दीजिए सर, आप एक किताब का पेपर किताब का जीएसएम कितने का है, कितने पैसे का, प्रिंटिंग कितने की है, बाइंडिंग कितने की है, आप लगाइए ना कीमत। किसकी 500 रुपए कौन सी किताब की बनती है, फिर आप क्यों करते हैं आप लोग। देखिए फतेह जी, हम इस मामले में कहीं से कहीं तक आप लोगों के साथ नहीं, क्या महंगी किताबें नहीं सर, मैं और रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ, जो एनसीईआरटी की किताबें हैं, जो छापते था, जो छापते थे, वो भी कुछ प्रॉफिट कमाते ही होंगे। हम उसको बोल दूंगा ये कि नहीं, आप 5 रेफरेंस बुक लगाइए। लेकिन सर वही ना, अभी इस साल बुक्स आ गई हैं जो कंप्यूटर के लिए और सब्जेक्ट के लिए, उनके दाम लेकिन 300-500 की किताबें तो सर आप एक समय दें जब ये बैठ के किताबों का और उसकी हम और उस बारे में बात कर सके सर, आपके समीक्षा हो सके सर। लेकिन देखो ये भी तो स्थिति ठीक नहीं है ना, कि आप लोग विद्यालय हैं जो आप लोग साथ आते हैं, मेरे पास सबकी वीडियो रिकॉर्डिंग पड़ी हुई है, बाथरूम में किताब छिपा कर आपको स्कूल में जनरल में दिखाया था हम लोगों को। सर आप उसके लिए एक्शन लीजिए, नहीं नहीं आप हमें एक्शन लेना, मैं 100% हमने सुनी बहन जी, हमने हाई कोर्ट में भी ऐसे स्कूलों की जिन्होंने हाई कोर्ट के निर्देश का अवहेलना की है, हमने रिपोर्ट सबमिट करके हाई कोर्ट अगर मान्यता खत्म करेंगे तो क्या बच्चे कहाँ जाएंगे। सर एक बात सुनिए, सरकारी स्कूलों में क्या हाल है सर, वो तो आपको पहले ऐसे बच्चे पढ़ते हुए क्या कर रहे हैं, माँ बाप खून खुद जा रहा है, ऐसी पढ़ाई नहीं करना क्या है, उसके हिसाब से कमेटी का अगर आप गठन कर दें जिसमें कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स आपकी तरफ से, कुछ सचिवालय से, कुछ किताबों को लेकर मैं खुद आप लोगों के साथ बैठूंगा। हाँ जी सर, बैठिए आप लोग सर, आप समय दे दीजिए, 22-23 में 22-23 में बैठेंगे आप लोग सर। ठीक है मैं सुनिए, देहरादून एजुकेशन के नाम किसकी पहचान है, और हम नहीं चाहते कि हमारे आपके छोटे मोटे मुद्दों के टकराव की वजह से ना यहाँ का माहौल खराब हो।